शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। सर्वप्रथम जो पर्व पड़ा है इसे हम कहते हैं करवा चौथ का व्रत। इस व्रत को करने से जिन स्त्रियों का सौभाग्य में वृद्धि होती है, कहीं कोई दोष कुंडली में आ रहा हो तो इस व्रत को करने से वो दोष भी नष्ट हो जाता है। इसे किस प्रकार करना चाहिए, आइए हम इस पर बात करते हैं। जिनका सर्वप्रथम यह व्रत है, आज जिनका विवाह अभी पूर्व में हुआ है और जिनका व्रत पहली बार ये पड़ रहा है, तो उन्हें किस प्रकार ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत चंद्रमा के उदय के समय संपूर्ण माना जाता है। तो जो करवा चौथ का व्रत है वो एक तारीख के दिन पड़ेगा, 1 नवंबर के दिन, क्योंकि चतुर्थी व्रत जो है 31 तारीख को चतुर्थी आ गई है आपकी रात्रि में 10:47 पे, और अगले दिन 1 तारीख को 10:45 में रात्रि तक रहेगी। चंद्रोदय का समय जो है वो 8:15 का है, 8:15 में चंद्रमा उदय होगा, इसके साथ ये व्रत पूर्ण होगा। तो सर्वप्रथम 1 तारीख के दिन सुबह सूर्य उदय से पूर्व जो व्रत रख रही हैं महिलाएं, उन्हें सूर्य उदय से पूर्व सर्गी लेना चाहिए। सर्गी का अर्थ क्या होता है, सर्गी में एक थाली में जो सास अपनी बहू को देती है, मीठी सेवैयां होती, मीठी मिठाइयां होती हैं, फल होते हैं, सूखे मेवे होते हैं और साथ में पानी भी ले सकती हैं। सूर्य उदय के पूर्व आपने ले लिया, अब आपको रात्रि में चंद्र उदय तक कुछ भी नहीं लेना है। चंद्रमा जैसे उदय होता है उस समय भगवान शिव पार्वती परिवार का पूरा पूजन करना है, उपरांत करवे की पूजन करना है। करवे का पूजन करने के बाद आपको चंद्र भगवान का पूजन कर उन्हें अर्घ देना है और एक छन्नी में चंद्रमा भगवान के दर्शन करना है। फिर चाहें तो अपने पति के भी दर्शन उसमें कर सकती हैं। इसके उपरांत अपने पति के हाथों से या सौभाग्य, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं हैं, तो अपने पति के हाथों से या फिर आपकी सौभाग्यवती स्त्री के हाथों से अगर आप उस जल को पीती हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। जय श्री राधे।